अंदर अगर आपको अपने फोन के अंदर डुअल ऐप बनाना है तो कैसे बना सकती है, या किसी एप्लीकेशन का आपको क्लोन ऐप बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, आज इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फोन के अंदर एक एप्लीकेशन के दो एप्लीकेशन बना के कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अब हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल कर लें सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो आपको अपने फ़ोन के अंदर डुअल ऐप बनाने के लिए सबसे पहले जाना होता है सेटिंग में, तो यहाँ से हम आते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है, तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऐप मैनेजमेंट, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऐप क्लोनर, सिंपली यहाँ से आप ऐप क्लोनर पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ऐप क्लोनर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं, जो एप्लीकेशन जिनको आपको डुअल ऐप बनाना है। तो जो एप्लीकेशन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं केवल आप उन्हीं का क्लोन ऐप बना सकते हैं, या अदर एप्लीकेशन आप और भी अपने फोन के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने जो इंस्टॉल करेंगे उनमें से जो एप्लीकेशन आपके यहाँ शो होंगे केवल आप उन्हीं का डुअल ऐप बना सकते हैं, अदर किसी एप्लीकेशन का डुअल ऐप नहीं बना सकते। जैसे कि हम यहाँ से आपको बना कर दिखा देते हैं व्हाट्सअप का, व्हाट्सअप का क्लोन ऐप क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, जैसे कि देख सकते हैं क्रिएटिंग क्लोन ऐप क्लोन, थोड़ा सा टाइम लगेगा ये ऐप क्लोन में, जो कि हमारा बन के तैयार हो चुका है। यहाँ से अब हम फेसबुक का ले लेते हैं, फेसबुक का हमारा बन के तैयार हो चुका है। इंस्टाग्राम ले लेते हैं, इंस्टाग्राम के बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन आपके शो हो रहे थे केवल आप उन्हीं का डुअल एप्लीकेशन बना सकते हैं, और इनका हमने बना भी दिया। अब हम यहाँ से आपको चेक करा देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से हम आपको चेक करा देते हैं, ये आपको देख सकते हैं तीनों एप्लीकेशन यहाँ हो चुके हैं। इंस्टाग्राम के अब यहाँ से दो अकाउंट हो चुके हैं, फेसबुक के भी दो हो चुके हैं, व्हाट्सअप हमारा एक ही है, और एक व्हाट्सअप आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। अब इन पर आप अलग आईडी से भी अपने यहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सिंपली अपने ऐड करके अकाउंट बना सकते हैं और एक अलग नंबर से अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको ये एप्लीकेशन फ्यूचर में डिलीट करनी है तो कैसे करें, तो आप इन्हें यहीं से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है रिमूव करने का, यहाँ से आपके इंस्टॉल नहीं होंगे, इसके लिए आपको अनइंस्टॉल करने के लिए आपको फिर से वहीं जाना होता है सेटिंग में। सेटिंग में जाएंगे, यहाँ आपको वह ऐप मैनेजमेंट में जाना है, ऐप क्लोनर पर जाएंगे, आप यहाँ से इन्हें ऑफ करा देंगे, जैसे देख सकते हैं डिलीट, यहाँ से आप इन्हें एक एक करके डिलीट करा सकते हैं इस प्रकार से। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे तीनों एप्लीकेशन हो चुके हैं डिलीट। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर एक क्लोन एप्लीकेशन को बना के उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं और उन्हें यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।